जाइए, आपको बुला रही हैं। मैं ऑफिस के मामले में बड़ी सख्त हूँ, मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, एक बात तुम्हें कहने ही भूल गई, 3 दिन के अंदर अंदर हर खत का जवाब दे देना चाहिए, समझे? यस मैडम। ये सूचना सबको पहुंचा दी जाए, ये लीजिए। राइट मैडम। नेक्स्ट। दुर्भाग्य ने बड़ी बेरहमी से हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। कम से कम आज मुझे अपना अपना चरण छूने का अधिकार दीजिए। अरे ये क्या करें, उठिए, कोई देख लेगा, आप कलेक्टर हैं, बैठिए। आप भी बैठिए। मैं कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो एक क्लार्क हूं, और कलेक्टर के सामने क्लार्क कैसे बैठ सकता है? आपकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? जी, मेरी शादी के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मैं मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे साथ जो धोखा हुआ उस पर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको सच बताकर मेरा दिल जरूर थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं जब दिल्ली से वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि आप गंगा में डूब कर मर गई। मैं तो समझी थी आपकी माँ ने सिर्फ हमारा रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तो मुझे भी खत्म कर दिया। लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मेरा दिल कहता रहा कि आप जरूर जिंदा हैं, और इसी उम्मीद को लेकर मैं आपके शहर चल पड़ा। बाबूजी, बाबूजी, मोहन बेटे गजब हो गया, मोहन बेटे गजब हो गया। बहू के मरने की खबर सुनकर हम पर तो बिजली टूट पड़ी, मुझसे रहा न गया, इसलिए तुम्हारे ससुर जी से मिलने मैं यहां चला। मगर देखता हूं कि बेटे के मौत के दुख के मारे वो लोग घर छोड़कर चले गए। बेटा क्या? हाँ बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बेटी बिचारी गंगा नहाने गई थी, पैर फिसल गया, डूब कर मर गई। तो शिवदयाल जी का कोई पता ठिकाना? जी हमें तो कुछ नहीं मालूम, सुना है शहर छोड़कर चले गए। अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो सारी साजिश मेरे मामा की थी। उस किरायेदार से काला झूठ बुलवाने के लिए मामा ने ही पैसे दिए होंगे। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा जुल्म। यही नहीं, पिताजी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने मेरी मां को फंसाकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली और उसे शराब पी पीकर उड़ा दिया। उन्होंने अपने आप को ही नहीं बल्कि हमारे सारे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरी दूसरी शादी रचाने के बाद मां भी चल बसी है। अब इस दुनिया में मेरे साथी मेरी पत्नी सीमा और मेरे दो बच्चे हैं। और मेरे साथी? आपके हाथों से मेरे गले में बांधा हुआ यह मंगलसूत्र और के प्यार की निशानी एक बच्चा। बच्चा? कैसा है वो, क्या नाम है उसका? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। उसका नाम रमेश है। रमेश? देखिए, मुझे आपसे एक विनती करनी है। विनती नहीं, आप क्या कीजिए। हमारे बीच की ये दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि दुनिया वाले हमारे इस संबंध को नहीं जानते। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप एक बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, और मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनका मुझ पर अटूट विश्वास है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं औरतों को अच्छी तरह जानता हूं, मेरा मतलब मेरी पत्नी सीमा को।
सुनी। ओ, आप? आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। साइकिल ड्राइवर ले आएगा। जी ठीक है, साइकिल ठीक हो गई है, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ओवरटेक नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है, मैं आपसे आगे नहीं जाना चाहती। जिंदगी के रास्ते में तो आप मुझसे कहीं आगे निकल गई, फिर इस रास्ते पे आगे निकल गई तो क्या हुआ? साइकिल और गाड़ी की रफ्तार में हमेशा फर्क रहा है और रहेगा। ये तो लीजिए। ये क्या? उस दिन आपने मुझे हार पहनाया था, वही फोटो लीजिए। उस दिन उसने इसे हार पहनाया, आज ये उसे क्या दे रही है? प्रेम पत्र। गोपाल विवाह। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूं।